सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे कि प्रमोशन के कारण वर्ग दो के अतिथि शिक्षकों पर संकट आ गया है दोस्तों, 20 सत्र में उनको निकाला जा रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया जा रहा है, स्कूल वाले बोल रहे हैं घर जाइए, साइन नहीं करने दे रहे हैं, आखिरकार आपका मानदेय जनरे नहीं हो। दोस्तों ये तो क्लियर है कि जो अतिथि शिक्षक प्रमोशन के कारण बाहर हुए हैं उनका मानदेय नहीं निकलेगा। विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कहा है जब तक DPI लोक शिक्षण संचालनालय से कोई आदेश जारी नहीं होगा तब तक उनका मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा। एक सीधा सा रास्ता है वर्ग तीन में समायोजन का, जैसा कि जो शिक्षक हैं वर्ग तीन के वर्ग दो में जा चुके हैं, वर्ग तीन के पद रिक्त हो चुके हैं, वहां पर अतिथि शिक्षकों की अदला बदली हो सकती है। एक सीधा सा रास्ता बनता है, वहां की और कोई रास्ता तो है नहीं। और दूसरी बात, कोई भी अतिथि शिक्षकों से मेरा यह निवेदन है कि जो भी अतिथि शिक्षक नए हैं किसी को पैसे वैसे ना दें दोस्तों, जो होगा सबका होगा, डिजिटल का ज़माना है। कोई 500 कोई 1000 अतिथि शिक्षकों से पैसे मांग रहा है कोई कोर्ट केस के नाम से, आखिरकार निर्णायक वही होगा जो सरकार करेगी। महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी उनको पूरा होना है नहीं होना है नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तय करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब सरकार नई है। और इसी को लेकर कुछ हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों ने मांग की है मित्रों, स्क्रीन पर आपको बता देता हूं, आप जरूर देखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत से भाई कह रहे थे सर लाइव नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है आपकी वीडियो भी नहीं आ रही हैं। भाइयों कुछ व्यस्त होने के कारण और अभी भी मानदेय को लेकर संकट खड़ा है, कई भाइयों का मानदेय नहीं मिला है, किसी की पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और हजारों ज्ञापन देने के बाद भी अभी DPI से फिलहाल में कोई आदेश नहीं आया है। हाँ जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश निकलते हैं कहीं कुछ जानकारी कहीं कुछ, लेकिन अभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है। अब यहाँ पर आप इस अपडेट को, आपको क्या करना है, एक मेल करना है DPI के लिए, और मेल आपको कैसा लिखना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक के आमंत्रण प्रक्रिया आदेश व उन्हें रखने और ज्वाइनिंग देने बाबत श्रीमान आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, भर्ती पदोन्नति के कारण रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया प्रारंभ करने पर पोर्टल पर ज्वाइनिंग बाबत निवेदन है कि अभी भर्ती स्थानांतरण और पदोन्नति से वर्ग एक और वर्ग दो और वर्ग तीन में नियमित शिक्षक के जाने से पद रिक्त हैं, इस हेतु न्यायालय विद्यालय के नियमित संचालन और परीक्षा सुचारू रूप से संचालन हो, इस हेतु अतिथि शिक्षक रखने का आदेश तथा ज्वाइनिंग हेतु पोर्टल खोलने की कृपा करें ताकि विद्यालय में परीक्षा संपन्न हो सके, धन्यवाद भाव दिए समस्त अतिथि शिक्षकों का कहना है मित्रों। अब सीधी सी बात है, मानदेय आपका नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? आप बाबू से बात करते हैं, बाबू बोलता है आवंटन नहीं है, लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है आवंटन को लेकर 2023-24 में समस्त अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट किया जाए, लेकिन फिर भी मिल नहीं पा रहा है भाइयों। अब मैं आपको बताना